हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग वंस अगेन। आज हम एनपीयू चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन सब्सक्रिप्शंस पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इस साल कितना सब्सक्रिप्शन बनता है पूरे आपके एनजीओ का, उसको हमें फाइंड करना है। और इस सब्सक्रिप्शन को हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। During the year ended 31st March 2020, subscription received by the Jaipur Literacy Society were ₹4,20,000। इस साल आपको subscription मिला है 4,20,000 रुपए का। These subscription include 14,000 received for the year ended 31st March 2019। जो आपको 4,20,000 का subscription मिला है, इसमें 14,000 का subscription previous year का है। तो हमें सिर्फ निकालना है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। इस साल का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है हमारे मेंबर पे, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है और उसका अमाउंट है ₹10,000। इसके बाद गिवन है व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट For the year ended 31st March 2020 as a subscription। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए हम बनाते हैं एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या फिर आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी और आपका आंसर एक्यूरेट निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो इस साल का बनता है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जितने भी आइटम आते हैं वो सारे आइटम बनते हैं अक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि अकाउंट बनता है अक्रूअल बेसिस पे। और हमें इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन निकालना है, हमें इस साल का कितना बनता है, यानी इस साल का 1st अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक हमारे मेंबर हमें कितना सब्सक्रिप्शन देंगे। अगर कुछ मेंबर ने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, मतलब हमें मिला कम है और थोड़ा लेना बाकी है, तो आप उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है, अगर इसमें प्रीवियस ईयर का है तो हम इसमें से उसे लेस कर देंगे। अगर इस साल के सब्सक्रिप्शन में कुछ सब्सक्रिप्शन हमें नेक्स्ट ईयर का मिल गया है तो उसे भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि हम निकालेंगे से हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए हम बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट में आएगा टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, डेबिट में आएगा टू क्लोजिंग एडवांस बाय बैंक। हमें कितना इस साल रिसीव हुआ है, क्योंकि बैंक में हो सकता है प्रीवियस ईयर का भी मिला हो, करंट का भी मिला हो और नेक्स्ट ईयर का मिला हो। जो डिफरेंस निकाल के आएगा वो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इसे हम बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। तो इसका ये फॉर्मेट है, आपको सिर्फ आइटम यहां पर डालने हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है During the year ended 31st March 2020, subscription received ₹4,20,000। तो हमें इस साल मिला है 4,20,000 का, जिसे हम दिखाएंगे बैंक में। अब इस 4,20,000 में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो है, इसके अंदर हो सकता है प्रीवियस ईयर का भी हो और नेक्स्ट ईयर का भी हो। तो जो प्रीवियस ईयर का होगा या नेक्स्ट ईयर का होगा हम इसमें से हटा देंगे। तो इसके बाद लिखा हुआ है These subscriptions include 14,000 received for the year ended 31st March 2019। यानी इसमें 14,000 रुपए पिछले साल के थे। इसका मतलब है ईयर के बिगनिंग में हमें 14,000 रुपए अपने मेंबर से लेने थे, यानी ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹10,000। यानी इस साल के 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें
मिला नहीं है, तो ये है हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये 10,000 रुपए अभी हमें अपने मेंबर से लेने हैं। तो इस क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग एडवांस है और ना ही क्लोजिंग एडवांस है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको कर लो टोटल, तो ये हो जाएगा 4,30,000, 4,30,000, 4,30,000 में से आप माइनस कर लोगे 14,000, तो ये बचेगा 4,16,000। तो ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। इसे हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, मान लो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 और एंड हुआ 31 मार्च। अब देखिए, मान लो ओपनिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ईयर के एंड में, कुछ ईयर के बिगनिंग में एडवांस है, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एडवांस, और कुछ अमाउंट ईयर के एंड में एडवांस है जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला, तो अभी ये मेंबर से लेना है। तो इसका रिलेशन है प्रीवियस पीरियड से, क्योंकि हमें बताया आउटस्टैंडिंग हमेशा लास्ट पीरियड का होता है। तो अगर ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो वो प्रीवियस पीरियड का है, और अगर ईयर के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी प्रीवियस पीरियड का है। सेम इसी तरह अगर ईयर के बिगिनिंग में कुछ एडवांस है तो वो नेक्स्ट पीरियड का है, आने वाले पीरियड का है, क्योंकि एडवांस हमेशा आने वाले पीरियड का होता है। और अगर ईयर के बिगिनिंग में कुछ एडवांस है तो वो आने वाले पीरियड के लिए है, और अगर ईयर के एंड में कुछ एडवांस मिला हुआ है तो वो भी आने वाले या नेक्स्ट पीरियड के लिए है। तो अब आप देखो, हमारा साल सिर्फ ये है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक। तो इस साल हमें जो मिला सब्सक्रिप्शन मिला 4,20,000 का। तो अब हमारे पीरियड में कौन कौन से अमाउंट आ रहे हैं, एक तो ये हमारे पीरियड में आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो हम इन दोनों को कर देंगे एड, और ये हमारे पीरियड में नहीं आ रहे तो हम इन दोनों को कर देंगे लेस। तो देखो हमने ऐसे ही किया है, 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन हमें मिला, हम क्या करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम इसमें से हटा देंगे, तो हमने क्या किया 14,000 हमने इसमें से लेस कर दिया, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम ऐड कर देंगे, तो हमने 10,000 का इसमें ऐड कर दिया। तो क्या आया निकल के 4,16,000, यही आंसर आपका यहां से भी आएगा। तो आप अकाउंट बना के कर सकते हो या डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो हमने अकाउंट बनाना तो सीख लिया, आप डायरेक्ट कैसे निकालना है देख लेते हैं। अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को हम दिखाते हैं इनकम साइड, तो हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 4,20,000, ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, और लेस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 14,000। तो कितना बचा 4,16,000। तो आप ऐसे भी सब्सक्रिप्शन को डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे, लेकिन जब हमने एक कॉन्सेप्ट की क्लास की थी तो हमने सारे केसेस डिस्कस किए थे, तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकालना है। उसमें हमने सारे केसेस को वन बाय वन डिस्कस किया था। तो बाक्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।